किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान 26 नवंबर से आमरण अनशन करके एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के साथ कई मांगों के समर्थन में अपना आंदोलन तेज करेंगे। खबरों की माने तो एसकेएम नेता जगदीश डल्लेवाल ने केंद्र पर उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। डल्लेवाल ने कहा है कि वह 26 नवंबर से खनौड़ी सीमा पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। किसान नेता ने कहा कि केंद्र ने 18 फरवरी से प्रदर्शनकारी किसानों से उनकी मांगों को लेकर कोई बातचीत नहीं की है। बता दें कि एसकेएम और केएमएम किसान संगठन सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच संभू और खनौरी बॉर्डर पर रुके हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों ने उनके मार्च को रोक दिया था। किसानों के मुख्य मांगों की बात करें तो इसमें किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली की भी किसान मांग कर रहे हैं, और 2020 और 21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं।